अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मरियम के व्लॉग्स। आज हम बनाएंगे चिकन विचोरियन और हमने उसके लिए लिया है 1 kg चिकन। इसमें विनेगर ऐड करेंगे 1 tablespoon, उसके बाद हम सोया सॉस ऐड करेंगे 1 tablespoon, उसके बाद ये लहसुन का पेस्ट मैंने रेडी किया है 1 tablespoon के करीब, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें लहसुन ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, हसबे ज़रूरत भी डाल सकते हैं अपने जायके के मुताबिक, मुझे जितनी चाहिए थी 1 tablespoon हमने ब्लैक पेपर इस्तेमाल किया। रेड चिली फ्लेक्स 1 tablespoon, अच्छे से मैरिनेट कर लीजिए। अब हम इसको 20 से 30 मिनट तक हम इसका ऑयल ऐड करेंगे, ठीक है। ऑयल ऐड करने के बाद ये जो चिकन हमने मैरिनेट किया है वो हम इसमें 1 by 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर हम इसको हल्के फ्लेम पे पकाएंगे, ऊपर से हम इसको ढाँप देंगे, हमने फ्राई करने के लिए रख दिया, ठीक है जी। अब हम इसको ऊपर से ढाँप देंगे, ये फ्राई करने के लिए पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। उसमें मैंने हरी मिर्च, ऑयल और नमक ऐड किया था पानी में, अच्छा सा बॉईल आ गया। अब हम इसमें चावल ऐड कर रहे हैं, चावल के लिए तड़का रख दिया ऊपर, और हम इसमें ऐड कर रहे हैं प्याज और हमारे चावल ऐड करके, क्योंकि ये अच्छे से पकी होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए। फ्राई हो रहा है, अब हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर 1 अदद, प्याज 1 अदद, और मैंने इन सारी सब्जियों को स्फीयर शेप में काटा है। अब हम इसे बंद गोभी ऐड करेंगे, बंद गोभी को अच्छे से सोते करने के बाद हम इसे ऐड करेंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है और नरम हो जाती है। अब हम इसमें मसाले ऐड करने लगे हैं, पहले 1 teaspoon नमक, 1.5 काली मिर्च, ब्लैक पेपर 1 tablespoon, क्रस्ट कुटी लाल मिर्च 1 tablespoon, चिली फ्लेक्स भी कहते हैं इसको 1 tablespoon, चिली सॉस ऐड करेंगे 3 spoon, टेबल स्पून हम विनेगर ऐड करेंगे, और इधर हमारा ये देखिए वेजिस के साथ चिकन जो है इसमें 2 small cubes हरी मिर्च ऐड करेंगे। वो ऐड करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक सोते करेंगे, फिर हम फौरन पानी ऐड करके चावल। ये हमारे राइस हैं, इनका हमने पानी पहले ही बॉइल करके निकाल दिया, स्ट्रेन कर लिया। चावल ऐड करने के बाद अच्छे से हमें मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हमने चावलों को दम लगा दिया। अगर मेरी वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। 3 tablespoon हम चिली सॉस के, और 3 tablespoon हम विनेगर के ऐड करेंगे। और थोड़ी सी ये 1 चुटकी हमने ब्लैक पेपर ऐड करी है, हम ऑयल ऐड करेंगे हसबे ज़रूरत, 2 से 3 tablespoon भी आप कह सकते हैं, ठीक है। वो ऐड करने के बाद मैंने इधर लहसुन अदरक है वो ऐड करेंगे। लाइट फ्राई करना है, फ्राई करने के बाद हम अब इसमें कैचअप 3 tablespoon ऐड करेंगे। कैचअप ऐड करने के बाद हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। चिली सॉस ऐड करने के बाद हम इसमें 3 tablespoon सोया सॉस ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम विनेगर ऐड करेंगे 3 tablespoon, मिक्स करते जाएंगे साथ साथ चीज़ों को। हम अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, इसके 1 tablespoon रेड मिर्च का ऐड करेंगे, 1 tablespoon रेड मिर्च लाल मिर्च, ठीक है, 1 tablespoon नमक ऐड करेंगे। उसके बाद हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, इसमें ब्लैक पेपर 1 tablespoon, ठीक है जी। उसके बाद हम शुगर ऐड करेंगे 1 tablespoon, उसके बाद हम स्मॉल क्यूब्स का ऐड करेंगे इसमें 5 tablespoon। मैंने कॉर्न फ्लावर लिया है, इसमें हम पानी ऐड करेंगे, और वो फिर हम इसमें
जो हम अपनी सॉस रेडी कर रहे हैं चिकन मंचूरियन क्योंकि उसमें ऐड करेंगे। और मैं ये वाला जो है कॉर्नफ्लावर यूज़ करती हूँ तूफान का, ये बहुत बेस्ट है, बाकी आपका जो दिन चाहे आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें ये देखें मैं इधर पानी ऐड करूँगी, अच्छे से ये देखें जो इधर सॉस रेडी कर रहे हैं चिकन मंचूरियन की उसमें हम ये कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। जो है वो इधर देखिए थिक हो गई है, रेडी हो गई है कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद। ठीक है जी, ये देखिए ये रेडी है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, वो जो चिकन मैंने फ्राई किया था वो हम चिकन इसमें सारे का सारा ऐड कर देंगे। जो मैंने वेजीज और चिकन को पट्टे फ्राई किया था अच्छे से, उसको मैंने इस सॉस में ऐड किया है। मज़ेदार सा चिकन मंचूरियन विद फ्राइड राइस रेडी है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखें और मेरा न्यू चैनल है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।